गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से क्लासेज में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि पिछले कुछ दिनों से 4-5 डेज से आपको वीडियोज प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट के, साइंस को छोड़ के और सभी सब्जेक्टों को वीडियोज मिल रहे हैं, साइंस को, साइंस का ही सिर्फ आपको प्रोवाइड हो पा रहा है वीडियो। मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि नेट प्रॉब्लम है, आप लोग भी वीडियोज को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और जब मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँगा पता नहीं आप लोगों तक कब तक पहुँचेगा, लेकिन मैंने वीडियोज आपको सेंड कर दी है। पर्टिकुलरली आपको करना क्या है, और सब्जेक्ट का वीडियो हो सकता है नेट चालू होने के बाद आए आप लोगों के पास, करना क्या है आप लोगों को इस समय में, जब वीडियोज आपके पास आए ना, जब आपके पास सभी सब्जेक्टों के ई वीडियोज आपके पास आए, कंटेंट आए, लेक्चर्स जो भी आपके पास आ रहे हैं उनको एक साथ मत देखना, बारी बारी से देखना, एक डेट वाइज देखना। आप लोग एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट वीडियोज आप देख लेना, फिर सेकंड वीडियोज देख लेना, हो सकता है एक साथ वीडियो हम लोग डाल दें, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा और एक साथ वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपके टॉपिक समझ में नहीं आए, आपका कॉन्सेप्ट टूट जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग वीडियो को एक साथ नहीं देखना, एक एक करके देखना। आइए आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से बचाव। वायु प्रदूषण से बचाव। हालांकि मेरे को इस बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं है, आप लोग भली भांति से इस बात को जानते हो कि वायु प्रदूषण से हमें कैसे बचना चाहिए। मेरे इस चीज़ का आपको कॉमन सेंस भी होगा कि प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं, पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। The use of CNG and lead-free petrols prevents release of carbon dioxide and lead into the atmosphere. The use of CNG. एक तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 341 निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और 341 में नीचे नीचे आइएगा। The use of CNG and lead-free petrol. स्टूडेंट, द यूज ऑफ सीएनजी एंड लीड फ्री पेट्रोल प्रिवेंशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीड इनटू द एटमॉस्फेयर। हमें सीएनजी वाले व्हीकल का ही, सीएनजी वाले गैस का ही यूज लेना चाहिए, लीड फ्री पेट्रोल का यूज लेना चाहिए, क्योंकि हमने दो या तीन इल इफेक्ट में हमने पहला पॉइंट ही एक दो वीडियो पहले हमने पढ़ा था कि पेट्रोल में आजकल लीड मिला हुआ आ रहा है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए हार्मफुल है, तो इस तरीके से हमें वो वाले पेट्रोल यूज लेना जो लीड फ्री हो। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, स्पेशल फिल्टर्स रिड्यूस स्मोक इमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। दिस रिक्वायर्स गवर्नमेंट्स लीगलाइजेशंस एंड डायरेक्ट इन्वर्टिजेशन। ठीक है, ये बोल रहा है जो फैक्ट्रियां, जो इंडस्ट्री है उसमें स्मोक एब्जॉर्बर लगा हुआ होना चाहिए ताकि वो हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर सके, और जिन फैक्ट्रियों में, जिन कारखानों में ये नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट को वहां पर कदम उठाने चाहिए, टीम भेजनी चाहिए और उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा आप लोग। पॉइंट नंबर थर्ड, अदर एनर्जी सोर्सेज, ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं लाइक wind, हवा एंड वाटर शुड बी यूज रिड्यूस यूज फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैसेज। ऊर्जा के जो दूसरे वैकल्पिक सोर्सेज है ना, अल्टरनेटिव सोर्सेज है ना, उनका उपयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए देन हमारे जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जो सोर्स है जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इनका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि पॉल्यूशन इन्हीं से फैलता है। पॉइंट नंबर थर्ड, फोर्थ, स्ट्रिक्ट पॉलिसी, एक सख्त नीति बने टू प्रिवेंट द डिजी रिलीज ऑफ गैस लाइक सीएफसी एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड द एयर शुड बी फॉर्मुलेटेड। सरकार को एक मजबूत नीति, एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा कि सीएफसी गैस का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हार्मफुल गैस है जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियोज में बता दिया था। पॉइंट नंबर फाइव, व्हीकल्स शुड बी डेवलप्ड टू रिड्यूस द CO2 एंड CO इमिशन इनटू एटमॉस्फेयर। एक तो व्हीकल्स, नए नए जो व्हीकल्स आ रहे हैं ना, इसमें वो टेक्नोलॉजी इस प्रकार से आनी चाहिए
कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस हो जाए, कम से कम उसमें से निकले, यानी टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग अपनी व्हीकल्स को मेंटेनेंस करके नहीं रखते हैं, सर्विस नहीं कराते हैं, धुआं छोड़ रहा है उनका व्हीकल, ट्रैफिक जो ट्रैफिक इंचार्ज होते हैं, इनको इन पर जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि अगली बार से अपना व्हीकल का मेंटेन करा के रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो इसके प्रिवेंशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई स्टडी करिए, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है, और जितने भी मैंने लगभग 6, 7, 8 जो भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, उन चैप्टर्स को आप लोग रीड करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।